करते हैं। आपका लड़ाई किससे होगा इस बार चुनाव में? लड़ाई तो समझिए कि तीन को बीजेपी वाला एक तरफ है, और बीजेपी के एक कैंडिडेट मिथिलेश मिश्रा जी बीजेपी के कैंडिडेट, आरजेडी से बीजेपी का कैंडिडेट, तो ये कुल तो बीजेपी से है, तो तीन बीजेपी एक तरफ, हम अकेले, मतलब सभी बीजेपी के ही कैंडिडेट है। नहीं, आप नहीं जानते क्या कहिएगा, सबकी जवान सब लोग भागेंगे यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आ चुके हैं बक्सर में, बक्सर के निर्दलीय प्रत्याशी ददन यादव जी हैं, इनसे बात करते हैं किस तरह से नामांकन सभा में आए हुए हैं, किस तरह से लोग संबोधन करने के लिए आए हुए हैं, उनको समर्थन करने के लिए आए हैं। सर स्वागत है। सब लोग हमारा अभी नामांकन का आज दिन है, और नामांकन में हम लोग सब लोग मिल के यहाँ से बाजार होते हुए निकलेंगे कलेक्टरेट ऑफिस में। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं आपके नामांकन से? पूरे से, मतलब कि हर जगह से, हर पंचायत से 10 आदमी 5 आदमी हर जगह से आए। उद्देश्य क्या होगा चुनाव लड़ने का? उद्देश्य तो चुनाव लड़ने का समाज के विकास, समाज पर हो रहे अत्याचार से मुक्ति, हर लोगों की सुरक्षा। जो जनता समर्थन देने के लिए आपको आई है क्या कहेंगे? जनता बहुत हमारा प्यारा है, जनता के लिए हम संकल्पित है, जनता जो चाहता वही करते हैं। आपका लड़ाई किससे होगा इस बार चुनाव में? लड़ाई तो समझिए कि तीन को बीजेपी वाला एक तरफ है, और बीजेपी के एक कैंडिडेट मिथिलेश मिश्रा जी बीजेपी के कैंडिडेट, आरजेडी से बीजेपी का कैंडिडेट, तो ये कुल तो बीजेपी से है, तो तीन बीजेपी एक तरफ, हम अकेले, मतलब सभी बीजेपी के ही कैंडिडेट है। नहीं, आप नहीं जानते क्या कहिएगा, सबकी जवान सब लोग भागेंगे यहाँ से, सब लोग भागेंगे। क्या कहिएगा आप लोग, किस तरह से समर्थन देने के लिए आए? हम लोग आए हैं ददन पहलवान को समर्थन देने के लिए। क्या कहिएगा? ददन यादव को वोट देना है। कहाँ से? डुमराव से। क्या कहिएगा? उद्देश्य क्या होगा इस बार? ददन पहलवान के। क्या ददन पहलवान जी? उद्देश्य क्या होगा, मुद्दा क्या होगा आप लोग का? देख सकते हैं। क्या कहिएगा सर, कहाँ से आए हैं? हम तो दिनारा प्रखंड से आए हुए हैं, नटवार भी से। क्या कहिएगा सपोर्ट करने के लिए आए हैं ददन पहलवान जी को? हम तहे दिल से सपोर्ट करते हैं कि भारी मतों से हम दिनारा प्रखंड से वोट से आगे जिताएंगे, ये संसद बने, हम लोग का गरीब गुरुआ का काम करें। उद्देश्य क्या होगा चुनाव में? चुनाव में उद्देश्य है रोजगार, रोजगारी बहुत काफी है, रोजगार चाहिए, गरीबों को मदद चाहिए, और क्या चाहिए हम लोग का? क्या कह रहे हैं, किस तरह से सपोर्ट करने के लिए? देखिए, हम लोग नौजवान हैं, और हम लोगों ने इस बार मन बनाया है कि हम लोग बाहरी को बाहर कर देंगे और भीतरी को दिल्ली के तख्तोताज पर बैठा देंगे। मेरा गांव बलिहार है, हम लोग सेमरी प्रखंड से आते हैं, बरहपुर से कम 40,000 के लीड से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के दबा के निकलेंगे हम लोग। हाँ, मुद्दा क्या होगा चुनाव में? चुनाव में मुद्दा तो पहली बात की महंगाई है, यहाँ के लिए कोई भी एक मेडिकल कॉलेज अभी तक यहाँ नहीं है, ना ही बढ़िया हॉस्पिटल है। आप गांव के उपकेंद्र पर चले जाइए, शाम के 4 बजे के बाद बंद है, अगर दिन में खुला भी है तो वहाँ पे कोई डॉक्टर वहाँ एडमिट नहीं है। इस सबको आवाज उठाने के लिए ना तो यहाँ विधानसभा में कोई एक आदमी बढ़िया है, और ना ही लोकसभा में ऐसा कोई आदमी यहाँ पर गया है जो इन बातों को मजबूती से रख सके। इसीलिए हम लोगों ने इस बार मन बनाया है कि ददन यादव को दिल्ली भेज के इन सारे मसलों को हम लोग मजबूत करेंगे, ताकि नौजवान की आवाज उठे। कौन बाहरी कौन भीतरी है भाई? देखिए, कौन बाहरी कौन, सब जानता है कि आप धरती पुत्र ददन यादव डुमराव के हैं, कोई कैमूर भभुआ का है, हालांकि वो बिहार का पार्ट है, इससे पहले तो पार्ट नहीं था, लेकिन जैसा लोगों, जैसा हमने लोगों से सुना उनके बारे में कि वो व्यक्ति ना तो वह जैसे सेट ऑफ माइंड कास्टिज्म है, वैसा उसका माइंड है, अपने जात को ज्यादा बुवाई करता है, वोट तो लेता है हम लोगों के बिरादरी का, पर अपने बिरादरी के लोगों का बस सम्मान नहीं करता। इसीलिए सारे हमारे बिरादरी के लोग इस चीज को समझ चुके हैं, जितने भी बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग हैं इस चीज को समझ चुके हैं, इसीलिए सारे लोग गोलबंद हो गए हैं ददन यादव के लिए। अजगर हेतु से हम लोग पटका देंगे, और रामगढ़ में ही 50,000 के मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। रामगढ़ में 70,000 से। मेरा नाम अनिल यादव हुआ। कहाँ से? हम सिकरौल थाना से, हरोजा गांव से हैं। अभी हम लोग यहाँ जो भी सांसद जीता है फॉरवर्ड क्लास का ही जीता है, यहाँ कोई बैकवर्ड का नेता ही नहीं है। पहली बार आज से 55 साल पहले तेज नारायण यादव MP बने, उसके बाद यहाँ फॉरवर्ड ही बना, कभी किसी का काम नहीं होता है। बनाना चाहते हैं बैकवर्ड को, हम नेता बनाना चाहते हैं जो हमारी बातों को सुने, हमारी मांगों को सुने। बक्सर में ना एक भी ट्रामा सेंटर है, हमें जो भी काम होता है हमें जाना पड़ता है बनारस, ना एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, हमेशा गरीबों को दबाया जाता है यहाँ पे।
यही हमारी मुद्दा है। और दवन यादव गरीबे का नेता है, कोई भी काम हो 2400 घंटे खड़े रहते हैं, बाहरी जीतता है, 5-10 साल अश्विनी चौबे को जीता है, हम लोग एक बार भी वो मतलब 1% भी काम नहीं किए हैं बक्सर में, इससे जनता रुष्ट है। अभी जो हमारी लड़ाई जो सीधी सुधाकर सिंह है, वो भी बीजेपी का एजेंट है। सुधाकर सिंह जो है वो आरजेडी से नहीं है, वो बीजेपी का बड़ा एजेंट है। तो आरजेडी से नहीं, वो बीजेपी का बड़ा एजेंट है, वो बीजेपी दिखाने के लिए है, ठीक है। इस बार ददन यादव भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं, हमें अश्वदीन अवेसी का समर्थन प्राप्त है, हिना साहब का समर्थन प्राप्त है, हमें मुसलमान भी वोट देंगे, क्योंकि मुसलमानों का वोट का MOI समीकरण जो है सिर्फ यूज किया गया है, वो RJD हो या चाहे जो भी हो, सिर्फ मुसलमानों के वोटों का उन लोग यूज किया है, उनका एक भी नेता नहीं है, मतलब बैकवर्ड का कोई नेता ही नहीं है। तो इस बार मुसलमान भी समझ चुका है, छोटे कास्ट के भी लोग समझ चुके हैं कि हमारा नेता ददन यादव है, और इस बार भारी हर जाति का हर कास्ट का क्या कह रहे हैं, ददन यादव के साथ हर जाति का वोट है। ददन यादव जाति का नेता नहीं है, जमात का नेता है। ददन यादव ऐसा व्यक्ति है कि 12 बजे रात में यदि खोजिएगा तो अपना शरीर लेकर के हाजिर रहते हैं, गरीबों का मसीहा है, और उसका अभी इसके जैसा नेता जन्म नहीं लिया है। हाँ, ऐसे नेता को बक्सर की धरती से सांधव चुन करके हम लोग एकदम विदा करेंगे। सांसद बनाइएगा इनको, बनाएंगे कि गरीबों का मसीहा है, हर वक्त ये समय पर साथ देते हैं, और जाति पात का इसमें एक पैसा भर भी इसका मतलब नहीं रहता, हर जाति का मदद करते हैं। और मैंने हॉस्पिटल हो, गरीबों को शादी का मैटर हो, उसमें भी मदद करते हैं, ऐसा नेता नहीं है, इसलिए हम लोग ददन यादव का समर्थन करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम तो डुमराव से आए हैं। किस लिए समर्थन देने के लिए आए हैं ददन जी को? हम समर्थन देने के लिए आए हैं ददन पहलवान को, इसलिए कि हर समय रात हो या दिन हो, हमारे काम में आने वाले, समाज को पूर्ण तरीके से सुनने वाले, यही एक ठो नेता है हमारे ददन जी, जो कि हर समय में काम आते हैं। देख सकते हैं, आप लोग कहाँ से हैं? बोला कहाँ से हैं? हम तो आए हैं बिहिया से। किस लिए यहाँ पर आए हैं? हम ददन यादव का समर्थन करने के लिए आए हैं। हाँ, हम बहुत लोग से वोट दिलवाएंगे, ददन पहलवान को सांसद बनाएंगे। अच्छा, देखिए क्या कहिएगा आप लोग कहाँ से? हम हैं सुधाकर सिंह के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। क्यों यहाँ पर आए हैं आप? आए हैं ददन पहलवान के समर्थन में आए हैं, और मैं सभी लोग से अपील करता हूँ कि कृपया ददन पहलवान को वोट कीजिए, क्योंकि अभी तक जब से हमारा सांसद जो है कमल सिंह चुनाव एक बार जीते थे, जो उनके बाद मतलब वो भी तो बैकवर्ड फॉरवर्ड क्लास के थे, लेकिन अभी तक कोई भी बार फॉरवर्ड क्लास से नहीं हुआ। एक बार जो तेज नारायण सिंह थे, पता नहीं वो कौन से थे, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि मतलब कुशवाहा थे। तो मैं सभी वर्गों के लोगों से, OBC हो, ST हो, चाहे कोई भी हो, मैं सभी से यही अपील करता हूं कि अब इस आज़ादी की लड़ाई में सभी को चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप लोग, कहाँ से हैं? हम लोग दनेजा से आए हैं। क्या कहिएगा आप? कहें कि हमारे भाई श्री ददन पहलवान यादव जी के इस नामांकन में हम लोग अपने मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, समर्थन करते हैं। हमारे पूरे गांव के भाई रूपी जनता सब वोट देने के निर्णय किए हैं, इसलिए हम लोग नामांकन कराने आए हैं। देख सकते हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र के बक्सर शहर में है, और आज जो है ददन पहलवान यादव जी का नामांकन सभा है, और इस सभा में संबोधन करने के लिए, समर्थन देने के लिए लोग दूर दूर से भी आए हैं, और लगभग 6 विधानसभा से जो लोग हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी कुर्सी भी लगाए हुए हैं, और हमारे पीछे बगल में जो है कुर्सी लगा हुआ है, सभी समर्थक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ताकि जो है ददन पहलवान यादव जी का जो नॉमिनेशन है उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको समर्थन बनाने के लिए, समर्थन देने के लिए जो है बक्सर से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इस तरह से आप लोगों का क्या राय है इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस वीडियो के, और आप लोग देख रहे थे परसुमी टाइम न्यूज़, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह, थैंक यू, जय हिंद।